वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 33 अर्निंग पर शेयर का एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2017 की अटेम्प्ट में। क्वेश्चन का टाइटल है होम डायनेमिक्स लिमिटेड और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट हुआ था। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होम डायनेमिक्स लिमिटेड HDL, अ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर दिया हुआ है, जिसमें प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस भी है और प्रॉफिट फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस भी है, और दोनों नेट ऑफ टैक्स हैं यानी आफ्टर टैक्स हैं और आफ्टर टैक्स ही होना चाहिए, और फिर ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ है। इसमें इस बात का हमने ख्याल रखना है कि जो EPS नॉर्मली कैलकुलेट होती है, जो फेस पर शो करनी होती है, वो होती है प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, और प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की बेस पर सेपरेटली डिस्क्लोज करनी होती है, जो कि नोट्स में भी कर सकते हैं और फेस पे भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट की बजाय हम इन दो कंपोनेंट के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। सेकेंड पॉइंट है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी एज ऑन 1 जनवरी 2016 कंप्राइज ऑफ, इसमें 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 25 है, और 4 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि रुपीज 10 के हैं, ईच इंटाइटल टू क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑफ 10%। तो क्यूमुलेटिव डिविडेंड तो चाहे डिक्लेयर हो या ना हो, उसको हमने प्रॉफिट में से डिडक्ट करना होता है ताकि वो अर्निंग निकल आए जो एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है। थर्ड पॉइंट है कि ऑन 31 मार्च 2016 HDL अनाउंस्ड 40% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एट ₹25 पर शेयर। द एंटाइटलमेंट डेट ऑफ राइट शेयर वाज 31 मई 2016। तो बेसिकली आप अनाउंस कब करते हैं वो रेलिवेंट नहीं होता, डेट वो रेलिवेंट होती है जब राइट्स की इंटाइटलमेंट होती है। तो इंटाइटलमेंट 31 मई 2016 है, अनाउंस तो पहले भी कर दिया जाता है, जब एक्चुअली राइट्स मिलते हैं तो उसको हम फोकस करते हैं। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर अनाउंसमेंट डेट एंड इंटाइटलमेंट डेट वाज 28 और 32 रिस्पेक्टिवली। तो हमने क्योंकि फोकस करना है इंटाइटलमेंट डेट को, तो ₹32 हमारी एक्चुअल कम राइट प्राइस होगी। फोर्थ पॉइंट है कि ऑन 2 अगस्त 2016 HDL अनाउंस 20% बोनस इशू, इंटाइटलमेंट डेट ऑफ बोनस शेयर वाज 31 अगस्त 2016। तो यहां पर हमारी जो रेलिवेंट डेट है वो 31 अगस्त है और 20% का बोनस इशू है। इसमें भी बोनस फ्रैक्शन हम ले लेंगे, और 20% का मतलब है कि अगर 100 शेयर थे तो अब 120 हो जाएंगे, तो यहां से हम बोनस फ्रैक्शन निकाल लेंगे। फिफ्थ पॉइंट है कि ऑन 1 फरवरी 2017 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस 20% कैश डिविडेंड एंड 10% बोनस इशू, बीइंग द फाइनल डिविडेंड टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड 10% कैश डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब डिविडेंड की अकाउंटिंग तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर में जाकर होगी, जब उस कह लें कि जो डिविडेंड है वो उसे अप्रूव करेंगे AGM ऑफ द कंपनी में। लेकिन जो बोनस इशू है उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ईयर एंड के बाद भी जो बोनस शेयर इशू होते हैं उसकी बेसिस पर हम नंबर ऑफ शेयर्स को जो है वो एडजस्ट करते हैं, और लेटेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स जो अवेलेबल होते हैं टिल द डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू, चाहे वो बोनस इशू ईयर एंड के बाद हुआ हो तब भी उसको हमें कंसिडर करके इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो इन 5 इंफॉर्मेशन की बेस पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट करें बेसिक अर्निंग्स पर शेयर फॉर इंक्लूजन इन HDL फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, शो ऑल रेलिवेंट कैलकुलेशंस। तो अर्निंग पर शेयर के लिए क्योंकि डाटा जो है वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दोनों का दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको अप्लाई करेंगे। तो हम चलते हैं और सबसे पहले आंसर को स्टेप वाइज देखते हैं कि उसका फॉर्मेट हमें क्या बनाना चाहिए। तो हम आंसर डेवलप करेंगे, तो सबसे पहले हमें 2016 की बेसिक EPS कैलकुलेट करनी है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की भी हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए, बेशक इसको नोट्स पर करें या फेस पर करें। तो डिस्कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन के लिए भी हमें कैलकुलेशन कर लेनी है। तो
ईपीएस की कैलकुलेशन में दो ही फिगर्स रेलिवेंट हैं, एक है आपकी अर्निंग्स और दूसरी फिगर है हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स। तो पहले अर्निंग्स पर फोकस कर लेते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है। तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की जो अर्निंग्स हैं वो 765 मिलियन गिवन है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की 155 मिलियन गिवन है। तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में जो क्यूमुलेटिव डिविडेंड है इसकी एडजस्टमेंट होगी। 4 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं, 10 रुपीज का एक है और डिविडेंड भी 10% है। तो एक छोटी सी वर्किंग करके प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और उसका 10% डिविडेंड, तो वो बन जाएगा हमारे पास ₹4 मिलियन। तो जो प्रॉफिट है हमारा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का वो 765 मिलियन है, उसमें से 4 मिलियन का प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर देंगे तो हमारे पास वो अर्निंग आ जाएंगी जो ऑर्डिनरी शेयर को शेयर होल्डर्स के लिए एट्रीब्यूटेबल है। और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का जो प्रॉफिट है वो 155 मिलियन का क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब हमें बेसिकली जो नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, और नंबर ऑफ शेयर्स दोनों में सेम ही लेने होंगे, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के लिए भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए भी, क्योंकि दोनों बेसिक ईपीएस हैं और सेम ईयर की हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स में तो फर्क नहीं होगा। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ा से अगले स्टेप्स पर जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक राइट इशू की बात हुई हुई है और दो बोनस इशू की बात हुई हुई है। एक बोनस इशू ड्यूरिंग द ईयर है और एक बोनस इशू ईयर एंड के बाद है। तो हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करना है, जिसमें से बोनस इशू की फ्रैक्शन तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, राइट इशू की जो फ्रैक्शन है उसको हमें खास तौर पर देखना है। तो उसके लिए हमें थ्रेटिकल एक्स राइट प्राइस चाहिए होगी। इससे रेलिवेंट डाटा देखते हैं। तो कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं वो किए हैं 40% राइट इशू। अब कंपनी के जो पहले शेयर हैं वो 10 मिलियन है, तो 10 मिलियन का 40% बनेंगे 4 मिलियन शेयर्स। अब कॉन्सेप्ट ये देखें कि जो एक्चुअल कम राइट प्राइस है वो 32 है, यानी शेयर्स की वैल्यू राइट इशू से पहले 32 है और शेयर जो इशू हो रहे हैं वो 25 पर हो रहे हैं। तो ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जिसकी बेस पर हम इसकी फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकेंगे। और जो डेट इसमें कंसीडर करनी है, जैसे हमने क्वेश्चन में पहले डिस्कस किया, वो 31 मई की कंसीडर होगी, 31 मार्च की नहीं होगी। सो 10 मिलियन शेयर्स जो पहले ₹32 के हिसाब से हैं और 4 मिलियन शेयर्स जो अब इशू होंगे 25 पर, यानी बिलो मार्केट वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो 10 + 4 मिलियन 14 मिलियन हो जाएंगे। तो थ्योरेटिकली वेटेड एवरेज प्राइस जो शेयर्स की हो जानी चाहिए आफ्टर राइट इशू, दैट शुड बी ₹30 पर शेयर। इसका मतलब है कि जब हम बात करते हैं कि 31 मई को शेयर जो ये इशू हुए राइट शेयर जो इशू हुए, तो इस पर राइट इशू बोनस फ्रैक्शन कितने की बनेगी? तो इस पर राइट शेयर की बोनस फ्रैक्शन बनेगी 32 जो है वो हमारी एक्चुअल कम राइट प्राइस है और 30 जो है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस है, दैट वुड बी 32/30। इसके बाद जो बोनस इशू हुआ है वो 20% हुआ है, यानी आप कह सकते हैं कि अगर 100 शेयर्स थे तो अब 20% ऐड होके 120 हो जाएंगे। तो ये इसकी जो इंटाइटलमेंट डेट है वो 31 अगस्त है, तो इसको फोकस करेंगे। तो 120 आफ्टर बोनस इशू और 100 बिफोर बोनस इशू, क्योंकि 20 शेयर्स एक्स्ट्रा इशू होने ऑन एवरेज परसेंटेज के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो 120/100 हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जी 1 फरवरी 2017 को हमारे पास क्या पोजीशन होगी, जो कि ईयर एंड के बाद वाला इशू है। इसमें 10% बोनस इशू है, यानी अगर 100 शेयर्स थे तो 10 और इशू होंगे और 110 हो जाएंगे। तो इसमें बोनस फ्रैक्शन आ जाएगी 110/100। अब हम अपनी वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी जनवरी में हमारे पास स्टार्ट ऑफ द ईयर में पोजीशन क्या थी। 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे,
ये सिचुएशन हमारे पास 1 जनवरी से 31 मई तक रहेगी। फिर मई से लेकर अगस्त तक और सिचुएशन रहेगी, क्योंकि 31 मई को जो है वो राइट इशू हो रहा है। तो फिर अगस्त तक सिचुएशन सेम रहनी है। अगस्त में फिर हमारा बोनस इशू हो रहा है अगस्त के एंड पर, और उसके बाद दिसंबर तक जो सिचुएशन है वो सेम रहेगी 1 सितंबर से ऑनवर्ड। फिर आफ्टर द ईयर एंड जो शेयर इशू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1 फेब को, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर द ईयर एंड कितने हो जाएंगे वो भी हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1 जनवरी को जो हमारे पास शेयर्स हैं वो हैं 10 मिलियन, फिर राइट इशू जो हुआ है वो हुआ है 40% का, यानी 10 मिलियन का 40% दैट वुड बी 4 मिलियन शेयर्स, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 14 मिलियन। फिर 31 अगस्त को 20% का बोनस इशू हुआ है, तो 14 मिलियन का 20% बनता है 2.8 मिलियन, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 16.8 मिलियन। फिर फेब में 10% बोनस इशू हुआ है, सिक्सटीन पॉइंट एट मिलियन का 10% 1680,000 बनेगा, और इस तरह से आफ्टर द ईयर एंड आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे वो 18480 हो जाएंगे। ईयर एंड पर आल दो के 16.8 मिलियन थे। अब IAS 33 की रिक्वायरमेंट है कि ईयर एंड के बाद भी जो ऐसे शेयर इशू होते हैं जिनमें रिसोर्सेज में चेंज नहीं आता, यानी बोनस इशू, शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन वगैरह, उनको आपने प्रीवियस उसमें एडजस्ट करना है, उनकी रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी है। तो इसलिए हमने ईयर एंड के बाद का जो इशू है उसको भी कंसीडर किया है। अब अगर हम टाइम फैक्टर कंसीडर करते हैं तो जनवरी से मई तक जो है वो 5 मंथ्स बनते हैं, फिर जून से अगस्त तक 3 मंथ्स बनते हैं, सेप्टेम्बर से दिसंबर तक 4 मंथ्स बनते हैं, और ईयर एंड के बाद वाले को टाइम फैक्टर वाइज हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी बोनस फ्रैक्शन लेंगे। अब बोनस फ्रैक्शन की बात करें तो जो हमारे पास सबसे पहला बोनस फ्रैक्शन है वो मई में अराइज हो रहा है 32/30 का, तो ये मई के इशू से पहले पहले हम अप्लाई कर देंगे, और इसके अलावा ये अप्लाई नहीं होगी। ये जो अगस्त में इशू हुआ इसकी फ्रैक्शन है 120/100, तो अगस्त से पहले पहले पर ये अप्लाई होगा, लाइक ये यहां पर भी अप्लाई होगा और इससे पहले वाले इशू के साथ भी अप्लाई करना होगा। और फिर जो हमारी बाद में फाइनल बोनस फ्रैक्शन आ रही है 110/100 की, ये इस टाइम पर आ रही है, तो ये इससे पहले वाले टाइम पर अप्लाई होगी। तो जिस टाइम पर शेयर इशू होते हैं उससे पहले पर आपने फ्रैक्शन अप्लाई करनी है, उसके बाद पर अप्लाई नहीं करनी। और इसकी लॉजिक ये है कि क्योंकि बाद में ऑलरेडी वो शेयर्स इंक्लूडेड होते हैं, तो आपको बोनस एलिमेंट की वजह से वो शेयर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। अब हम सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स की बेसिस पर वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पे जब एक जीरो आ गया तो इसका इम्पैक्ट बेसिकली खुद इटसेल्फ नहीं आएगा, क्योंकि ईयर एंड के बाद वाला एवरेज हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे होंगे। तो 16.646 मिलियन जो है हमारे पास तकरीबन शेयर्स आ गए। यही शेयर्स की वैल्यू हम सिंपली पिक करेंगे और अपने दोनों फार्मूलाज के अंदर हम मेंशन कर लेंगे। तो अब हम अर्निंग डिवाइड बाय शेयर्स कर ईपीएस कैलकुलेट कर लेंगे, दैट वुड बी 45.71 पर शेयर, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन पर देखेंगे तो दैट इज 9.31 रुपीज पर शेयर। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि हमने ईपीएस डिस्क्लोज करनी थी, ये हमारा सोल्यूशन है, और इसकी वर्किंग में हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को कैलकुलेट किया और सारी फ्रैक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली कैलकुलेट करी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन में आपने देखनी थी वो ये थी कि जो फ्रैक्शन अप्लाई करनी है, क्योंकि मल्टीपल फ्रैक्शंस हैं,
तो फ्रैक्शन अप्लाई करनी है उस इशू से पहले के तमाम आउटस्टैंडिंग शेयर्स पर, इशू के बाद वाले पर वो रेलिवेंट फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होगी। इसलिए देखें, जो पहला इशू था उसकी फ्रैक्शन एक जगह अप्लाई हुई, जो दूसरा इशू था उसकी दो जगह, और तीसरे इशू की तीन जगह। तो सिमिलरली जितने मर्जी इशू आ जाएं वो उस हिसाब से अपने से प्रीवियस जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनके ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।